डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं अभी 9:30 और मैं बैठी हूँ रूम के अंदर और दादी वाले रूम में बैठी हूँ, टीवी देख रही हूँ। मोबाइल बहुत कम यूज करती हूँ और खाना वाना सब कुछ हो गया है। खाने में था दाल चावल रोटी सब्जी चोखा भरता बना हुआ था, ये सब बना हुआ था। चटनी भी बनाया था मैंने, टमाटर भूज के चटनी बनाया था और बस आम का अचार। और हम तीन लोग बैठे हैं, मैं और ये रहा जैक और ये रहा बेबी। हम तीनों लोग घर पे हैं और बाकी सब लोग काम पे निकल गए हैं। मतलब गेहूं का खेत है, गेहूं कट चुका है, कल गेहूं कटा है और इसके बाद जो है बांधा जाएगा गेहूं को, तो बोझ बनाया जाएगा, तो वही सब करने गए हैं। और पापा भी गए हैं साथ में, रंजीत अपने काम पे निकल चुके हैं। तो बस इस रूम को मैंने इधर से भी लॉक कर रखा है और उस वाले दरवाजे से भी लॉक रखा है, क्योंकि जैक ना पहले ना क्या था कि पहले ये कुछ दिन पहले ये मोटा था, काफ़ी हद तक मोटा था। मतलब शटर जो लगा हुआ है हम लोग के वहाँ पे, उससे नहीं निकल पाता था। और जो है अभी क्या हो रहा है ना, इसके साथ नहीं निकल पाता था तो हम लोग को आसानी रहता था शटर के अंदर बंद करके। लॉक करके आप कुछ भी कर सकते, कहीं नहीं जाता था, आराम से बैठा रहता था। अब भी करता है, अगर आप बोल देंगे कि यहाँ पर बैठ जाइए तो चुपचाप बैठ जाएगा, आओ तो आ जाएगा। कुछ भी, इसको सारी चीज़ें पता है घर में कि किस कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो क्या हुआ ना कि अभी मैं बैठी हुई थी तो ये निकल के बाहर ना दूसरे कुत्तों के साथ, मतलब बाय चांस कभी अगर कोई देखता नहीं है तो खेलने लगता है, तो थोड़ा सा वो कीड़ा वगैरह ना हो जाए, आ ना जाए इसके पास। तो इसी वजह से जो है मैंने इसको भी लॉक कर रखा है, क्योंकि अगर ये बाहर चला जाएगा तो इसको कीड़े लग जाएंगे, शटर के बाहर जाएगा तो इसलिए घर रूम के अंदर ही रहता है, घर में ही रहता है और इसकी केयर इतनी ज़्यादा की जाती है, तो इस वजह से मैंने लॉक कर रखा है। क्योंकि ये शटर से निकल जा रहा है, थोड़ा सा पतला हो गया है, पता नहीं क्यों किस वजह से पतला हो रहा है, तो इसको थोड़ा डॉक्टर को भी दिखाना है। तो डॉक्टर से हम लोगों ने बात किया था, तो पूछा था, तो डॉक्टर ने कहा कि इसको कुछ दिक्कत होगा पेट वगैरह में, कीड़े वगैरह शायद हो जाते हैं, तो पता नहीं कीड़ा है कि क्या है, थोड़ा सा मुझे पतला लग रहा है। तो इस वजह से डॉक्टर से बात कैसे, इसको इंजेक्शन भी लग चुका है, लेकिन इसको इंजेक्शन लगाना मतलब बहुत बड़ी आफत, इसको इंजेक्शन लगाना मतलब इतनी बड़ी आफत है कि इसको डॉक्टर के पास गए थे, उसके बांधने वाला उसके पास, उनके पास मतलब होता भी है रबरली, जब लेके गए थे इसको तो डॉक्टर परेशान हो गया। तो पहले बहुत पहले जब ये नया नया शुरू में आया था, 2 साल हो जाएगा इसको जुलाई अगस्त में आए हुए, तब जब नया नया शुरू में आया था तो इसको ले गए थे कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए। मतलब अगर किसी को भी काटता है तो उसको कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ इंजेक्शन, मुझे नाम नहीं पता उसका। और अब इसको लेके जाना है, वो कार्ड भी मैंने रखा हुआ है। तो बस इस वजह से पता नहीं क्यों पतला हो गया, थोड़ा सा पतला हुआ है क्योंकि पहले निकल नहीं पाता था बिल्कुल भी शटर से, बंद होने के बावजूद भी निकल जा रहा है, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है हम लोगों को। और बस, और बाकी सब लोग तो अपने अपने काम पे हैं, मैं भी घर में बैठी हुई हूँ, कोई काम नहीं है फिलहाल, ब्लॉगिंग ही मेरा काम है, ब्लॉगिंग ही मेरा सब कुछ है। और क्या होता है ना, जब आप आगे नहीं बढ़ पाते हो ना लाइफ में, कोई चीज़ें थमी सी रह जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है माइंड में। तो कल पूरी रात में सोई नहीं हूँ, मुझे नींद नहीं आई है इस वजह से कि मेरा यूट्यूब पर क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, व्यू नहीं आ रहे हैं या क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना रहता है, हर किसी का सपना है, मेरा भी सपना है और मैंने बचपन से सपना ही देखा है। मुझे जहाँ तक याद है, मैं 6th क्लास से, मतलब मेरे होश आवाज में, मैं 6th क्लास से मतलब सपने ही सपने देख रही हूँ और जो मैं चाहती हूँ मैं वो करके रहती हूँ, ये मेरी जिद है, शायद मैं जिद्दी टाइप में हूँ। और तो बस इसी वजह से, और अभी मैं सीरियल देख रही हूँ। उस टाइम पे जब मैं 6th में पढ़ती थी तो ये मेरा फेवरेट सीरियल था, वो रहने वाली महलों की, बहुत सारे सीरियल उस टाइम पे मेरे फेवरेट थे, वो रहने वाली मैं लोगों की, कसौटी ज़िंदगी की, कहीं तो होगा, कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कुमकुम से, कुमकुम से,
बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एवरीथिंग। बताइए कि उस टाइम पे ये सब सीरियल कौन कौन देखता था और किसको किसको ये सारे सीरियल पसंद थे, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि कौन कौन मेरी कैटेगरी में आता है। तो अभी हमारे बगल में है शादी और ये आंटी जो जी खड़ी हैं जो ब्लैक साड़ी में, इनके बेटे की शादी है, हमारे जस्ट पड़ोसी। तो ये पता नहीं शायद मिट्टी उट्टी लाने जा रहे हैं, क्या लाने जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। इतने लोग हैं, और मैं शादी का ब्लॉग ज़रूर दिखाऊंगी। और अभी जाके छत पे कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी आप लोगों को कि क्या हुआ है छत पे, इन लोगों ने बना रखा है मंडप वगैरह। बनाने जा रही हूँ चने दाल की पकौड़ी। तो ये प्याज, अभी लहसुन भी काटेंगे इसमें, चाहे लहसुन नहीं डालूंगी, तो प्याज और ये मिर्च डालेंगे इसमें। ये मिर्च बिल्कुल तीखा नहीं है इसलिए हरा मिर्च डालेंगे और पकौड़ी बनाएंगे और शायद कढ़ी बनेगी। तो अभी शाम के बज रहे हैं 7:30 और वो रखा हुआ है दूध और उसकी चाय बनेगी और ये पकौड़ी। पता नहीं आज लेट तो कहीं से कहा। अरे बेटू बेटू है, बोलो भूखा नहीं का, भूखी लागे का, अंदर भूखी लागे, भूखी
आज सुबह पुलिस ये दे 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 के पापा कहते हैं कि किस क्या दे 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 सब जाएंगे बाद में यार देखो भैया लगे बेटी हम सही भेजा बेचारा अकेले परेशान है जाके लड़का खाने चलती हुआ Oh!